धर्म है जीवन का आधार और धर्म यात्रा से होगा आपके जीवन का उद्धार। तो आइए धर्म यात्रा पर आज फिर चलें एक बार। नमस्कार, शुभ प्रभात, मैं हूं पायुधि शशि और आप धर्म यात्रा पर हैं मेरे साथ। जीवन को सफल बनाने के लिए धर्म की यात्रा जरूरी है, क्योंकि इस मार्ग पर चलकर मिलती है ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद, जिससे जीवन सुखद और समृद्ध बन जाता है। वैसे हमारे जीवन में कब खुशियां आएंगी और कब सफलता हमारे कदम चूमेगी, इसका पता हमारी कुंडली के ग्रहों से भी चलता है। तो आज के अंक में हम आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के कुछ सरल उपाय बताने वाले हैं। गौर से देखिए। हमारे और आपके जीवन में कब क्या क्या होगा, इसकी गणना ज्योतिषी करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ज्योतिषियों की सारी गणनाएं 9 ग्रहों के आधार पर ही होती हैं? सदियों से हमारे ऋषि मुनि इन्हीं ग्रहों का अध्ययन करके और ग्रहों की चाल समझकर हमें सफल जीवन का मार्ग बताते रहते थे। आज भी यही होता है, यानी ग्रहों की चाल आपके जीवन का हाल बताती है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप कैसे करें ग्रहों को अपनी कुंडली में मजबूत, आज यही बताने जा रही हैं। ध्यान से समझिए। समझिए अपनी कुंडली में ग्रहों की चाल। बना लीजिए अपने जीवन को खुशहाल। कीजिए ग्रहों को अनुकूल बनाने के सरल उपाय। कीजिए अचूक उपाय जो जीवन को संपन्न और समृद्ध बनाए। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब कुंडली के ग्रह अनुकूल होते हैं तो जीवन में खुशियों की सौगात अपने आप मिलने लगती है। ग्रहों की दशा और दिशा बेहतर हो तो यकीनन इसका सकारात्मक प्रभाव दिनचर्या पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन ग्रहों की कमजोर स्थिति या ग्रहों में दोष हो तो जीवन परेशानियों और कष्टों के भंवर में उलझ कर रह जाता है। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। ऋषियों और मुनियों ने हर ग्रह को मजबूत बनाने के कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, जिनको नियमित तौर पर किया जाए तो इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव पर ब्रेक लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य अगर कुंडली में बलवान हो या शुभ हो तो यश, बल, गौरव और मान सम्मान खूब मिलता है। जीवन में नौकरी और समृद्धि अच्छी बनी रहती है। पर अगर सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाए तो हर राह पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुख समृद्धि में कमी आती है, व्यक्ति रोगों से घिर जाता है, व्यक्ति तनावग्रस्त भी रहने लगता है और ऐसे में व्यक्ति को किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। जीवन में सूर्य की शुभता इसलिए बेहद जरूरी मानी गई है। तो अपनी कुंडली के सूर्य को आप कैसे करें बलवान, देखिए। सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह कुछ समय के लिए जरूर बैठें। भोजन हमेशा सूर्य की रोशनी रहने पर ही करें। तांबे के बर्तन से पानी पिएं। हर रविवार को सूर्य को जल में चंदन, लाल फूल, अक्षत और दूर्वा डालकर अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। हो सके तो माणिक की भी धारण करें, लेकिन इसे ज्योतिषियों के सलाह के अनुसार ही पहने। चंद्रमा नवग्रहों में सूर्य के बाद दूसरे स्थान पर आता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति का कारक माना गया है। मानव के शरीर में रक्त, बाई आंख और छाती का कारक भी चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्यक्ति जल्दी भावुक हो जाता है, गलत फैसले लेना कमजोर चंद्रमा की ही निशानी है। सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या बनी रहती है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप क्या करें उपाय, देखिए। स्नान के बाद ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह
चंद्राय नमः मंत्र का 3, 5 या 11 माला जाप करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। सोमवार को सफेद कपड़े जरूर पहनें। संभव हो तो 10 सोमवार का व्रत जरूर रखें। चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन अपनी माँ के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद भी लें। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। कुंडली का मंगल ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस और शौर्य का कारक माना जाता है। कुंडली में मंगल अगर कमजोर हो तो बार बार दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद काफी बढ़ जाते हैं। कर्ज से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप इनमें से किसी एक समस्या से दो चार हो रहे हैं तो समझिए कि आपको अपनी कुंडली के मंगल को मजबूत करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा संभव, देखिए। लाल रंग के कपड़े धारण करना शुरू करें। ओम भौमाय नमः मंत्र का नियमित जाप करें। मंगलवार का व्रत रखें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें। मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। लाल कपड़ा, तांबा, गेहूं, गुड़ आदि का दान करें। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध बुद्धि का देवता कहा गया है। बुध अगर कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और हंसना, बोलना और सकारात्मक व्यंग करना पसंद करता है। बुध व्यापार, सेहत और बोलने की कला विद्या का कारक भी माना जाता है। पर जब कुंडली में बुध कमजोर होता है तो कई बड़ी समस्याएं लेकर आता है। इंसान बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है। शरीर की आभा खत्म होने लगती है। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश बल सब में गिरावट आने लगती है। इंसान शिक्षा में कमजोर हो जाता है। सूंघने की शक्ति घट जाती है। कमजोर बुध वाला व्यक्ति अपने बातों के जरिए प्रभावशाली नहीं बन पाता। बुद्धिवान होने के अहंकार से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। अगर आप इनमें से किसी एक समस्या से परेशान हैं, तो तुरंत बुध को कुंडली में मजबूत करने के प्रभावशाली ये उपाय कीजिए। ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। हरी सब्जियां जरूर खाएं। सौंदर्य प्रसादन का प्रयोग कम से कम करें। संगीत सुनने की आदत डालें। स्नान, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नवग्रहों का हर एक ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के साथ ही अभी और भी कई मुख्य ग्रह हैं जो जीवन में सफलता और खुशहाली को बढ़ाते हैं। अगर आप जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं तो आपको नवग्रहों को अनुकूल तो बनाना ही होगा। आगे आपको बाकी बचे ग्रहों से परिचित कराएंगे और उन ग्रहों को मजबूत करने के सरल और सटीक उपाय भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए धर्म यात्रा। हमारी कुंडली में जहां बृहस्पति और शुक्र का मजबूत होना बेहद जरूरी है, बृहस्पति के मजबूत होने से जहां भाग्य का साथ मिलने लगता है, तो वहीं शुक्र की मजबूती हमारे जीवन में ऐश्वर्य और सुख संपन्नता के योग बनने लगते हैं। तो आपकी कुंडली में कैसे मजबूत हों ये दोनों ग्रह, चलिए बताते हैं। जीवन में सुख और संपन्नता के कारक वैसे तो कई ग्रह हैं, पर अगर आप भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भाग्य के कारक ग्रह बृहस्पति को मजबूत बनाना ही होगा। बृहस्पति ग्रह धार्मिक भावनाओं को नियंत्रित करता है। ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, संतान, धन, दान, वित्त, कोष, कानून और पुण्य का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत और शुभ होता है, ऐसे लोग विद्वान और ज्ञानी होते हैं और उन्हें खूब मान सम्मान मिलता है। मजबूत बृहस्पति वाले व्यक्ति पर दैवीय कृपा हमेशा बनी रहती है और व्यक्ति जीवन में तमाम समस्याओं से बच निकलता है। पर अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर हो जाते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है। बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आने लगती हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर रहने लगता है। कैंसर और लिवर की सारी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करने लगती हैं। व्यक्ति का झुकाव गलत कर्म की तरफ होने लगता है।
अब सवाल है कि अगर बृहस्पति आपके कुंडली में कमजोर है और अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे में आप क्या करें। देखिए, बृहस्पति को मजबूत करने के सबसे सरल और सटीक प्रयोग, बृहस्पतिवार का उपवास रखें, गुरुवार के दिन नमक का सेवन ना करें, घर के पिछले हिस्से में केले का पौधा जरूर लगाएं और रोज सुबह केले के पौधे में जल डालें, बृहस्पति के मंत्र ओम बृहस्पतये नमः का जाप करें, रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और फलदार वृक्ष लगाएं, गले में सोने को धारण करें। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख संपदा और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो सुख समृद्धि और ऐशो आराम की सुविधा जीवन में मिलने लगती है। व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट नहीं झेलने पड़ते, पर अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो भौतिक सुख सुविधाओं की कमी रहने लगती है, बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, व्यक्ति सुखी वैवाहिक जीवन और संतान सुख से वंचित हो जाता है। तो कैसे बनाएं अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत, देखिए। रोज स्नान के बाद सुगंध जरूर लगाएं, साफ सुथरे और सुंदर रंग के वस्त्र ही धारण करें, दोपहर के खाने में दही का प्रयोग शुरू कर दें, बाल और दाढ़ी बिखरे हुए ना रखें, स्त्रियों का सम्मान जरूर करें, नियमित रूप से हर शुक्रवार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। नवग्रहों में जिन ग्रहों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता सबके मन में रहती है और भय बना रहता है वो है शनि और राहु केतु। इन तीनों ग्रहों की बुरी दशा इंसान के जीवन में कष्टों को इतना बढ़ा देती है कि जीवन में से आनंद खत्म सा लगने लगता है। शनि और राहु केतु के बुरे प्रभाव आखिर क्या क्या होते हैं और कैसे इन ग्रहों को आप अपनी कुंडली में अनुकूल बना सकते हैं, इस बारे में भी हम आगे बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं जिसकी कुंडली में शनि भारी हो जाए, जिसके जीवन पर राहु केतु की बुरी दशा शुरू हो जाए, वो व्यक्ति अंतहीन समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर पल कष्ट भोगना पड़ता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद जीवन से सुख गायब है, तो चलिए शनि और राहु केतु की दशा को समझते हुए इसका उपाय ढूंढते हैं। शनि वैसे धीमी गति का ग्रह माना जाता है। कुंडली में शनि अगर खराब हो तो काम में रुकावटें आने लगती हैं। शरीर के निचले हिस्से में हड्डी या फिर स्नायु तंत्र की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। वाहन दुर्घटना के योग भी बन जाते हैं। अगर आप शनि से जुड़ी इन समस्याओं को महसूस कर रहे हैं तो कीजिए शनि को मजबूत करने और शुभ बनाने के सरल उपाय। तो कैसे बनाए शनि को मजबूत, देखिए। भोजन और मालिश के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का प्रयोग करें, लोहे के बर्तन का दान शनिवार के दिन करें, शनिवार को नियमित रूप से ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है। ज्योतिष में राहु और केतु को आम तौर पर अशुभ ग्रह माना जाता है। राहु केतु अगर बुरा प्रभाव दे तो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राहु के बुरे प्रभाव के कारण मन अशांत रहने लगता है और व्यक्ति को कम नींद आती है और साथ ही आलस्य और कमजोरी बनी रहती है। वहीं केतु के बुरे प्रभाव के कारण धन हानि, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक तनाव, संतान से कष्ट और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो राहु और केतु को आप कैसे बनाएं अपने कुंडली में अनुकूल, देखिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, दवाइयों का दान करें, रोज स्नान जरूर करें, सुबह खाली पेट तुलसी का सेवन करें, हफ्ते में एक दिन किसी धर्म स्थान पर जरूर जाएं, जूते चप्पल साफ रखें, राहु के मंत्र ओम राहवे नमः का जाप करें, केतु के मंत्र ओम केतुवे नमः का भी जाप करें, शनिवार के दिन इन ग्रहों के मंत्रों का जाप जरूर करें। तो इन सरल और सटीक तरीकों से नवग्रहों को आप भी अपनी कुंडली में अनुकूल बनाएं, क्योंकि नवग्रहों की मजबूती से मिलेंगे आपको सभी ग्रहों के शुभ फल।
और इससे सुंदर बनेगा आपका आज और आने वाला कल। हमारा विश्वास है कि आज का अंक आपके जीवन के लिए महाकल्याणकारी साबित होगा, क्योंकि खुशहाली और संपन्नता तो सबको चाहिए, पर इसे कैसे पाया जाए इसका मार्ग शायद ही किसी को पता होता है। तो समझिए ग्रहों की चाल, कीजिए उसका उपचार और बना लीजिए अपने जीवन को खुशहाल। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।